नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। रीवा कन्या छात्रावास को उपलब्ध कराए गए पंखे, पूर्व में किए गए दान की वस्तुएं हो गई लापता, शिव बारात आयोजन समिति ने FIR की मांग। शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति के द्वारा CWSN गर्ल हॉस्टल घोघर को 12 पंखे समर्पित किए गए। समिति के अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने बताया कि मुख वधिर स्कूल के बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए उनके संस्था के द्वारा गर्मी शुरू होने से पहले ही पंखे उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही मनीष गुप्ता ने आरोप लगाया कि इसके पहले भी उनके द्वारा उक्त विद्यालय को बहुत सी वस्तुएं दान की गई थी जो लापता है, जिसकी शिकायत भी थाने में दर्ज कराने की बात कही है। और आज कन्या छात्रावास घोघर में हम लोग हैं, जहाँ पर बच्चों के साथ कुछ मैम की रिक्वायरमेंट थी, उस पर अपन ने पंखे का एक रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी यहाँ पर। और एक मैम पूनम तिवारी जी आई और 5-7 बच्चे थे, इनके बच्चों को फैन की जरूरत पड़ी। बोले सर ये गर्मी में परेशान है बच्चे। हमने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम अपन मैसेज कर देते हैं, भवानी कृपा है, सब लोग परिचित हैं। तो हमने कहा 2014 में संजय मिश्रा जी और कई ग्रुप मिलकर यहाँ पर समरसल पंप, बोरिंग मशीन, टंकी, फिटिंग, वॉशिंग मशीन इत्यादि चीज लगवाया था हम लोगों ने मिलकर। हमको वो भी दिन याद है, वह सामान एक भी नहीं है। वह सामान क्यों नहीं है इसका भी हमको उत्तर चाहिए, और कौन सामान ले गया वह भी हमको उत्तर चाहिए। यहाँ पर लॉक रजिस्टर था, बुक था, उसमें हमने साइन किया था, हमको खूब याद है। 2014-15 में संजय मिश्रा, हम, बंसी जी और कई हमारे कमलेश भैया, कई साथियों, प्रकाश मिश्रा जी यहाँ पर हम लोग आए थे, और जो जो रिक्वायरमेंट थी धीरे धीरे कपड़े की, इसकी, उसकी, तो हम लोगों ने दिया था। ये कौन ले गया मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, महोदय यहाँ के कलेक्टर साहब से भी जानना चाहता हूँ, अगर ऐसा व्यक्ति ले गया है भाई, दान की हुई चीज वो ले नहीं जा सकता। अगर उनका ठेका था, अगर कुछ था, तो वो अपना जो उनका सामान ना होगा वो ले जा सकते हैं, बाकी दान हुई चीज वो नहीं ले सकते हैं। अगर वो ऐसा ले गए हैं, वो पूरा सामान वापस करने का कष्ट करे, अगर नहीं करते तो इनके ऊपर FIR दर्ज हो, नहीं तो इसकी मैं मांग करता हूँ इस बात को। अभी आपने क्या किया? अरे हम तो कुछ नहीं किए, हमने तो मैसेज डाला है खाली, और बोले मेरा नाम नहीं लेना। और जैसे मैंने मैसेज डाला कि ये जरूरत है, तो एक नहीं 20-25 पंखे आ गए। यहाँ की रिक्वायरमेंट 10 थी, फिर बाकी मैं पंखे बोला वापस कर दूंगा, सबको वापस कर दूंगा 10 पंखे जो रिक्वायरमेंट है। बाकी रिक्वायरमेंट उस बोर्ड में लिखी हुई है, उसमें रिकॉर्ड में कई चीजें अभी चाहिए। यहाँ पर वॉशिंग मशीन, मिक्सी, पंखा, कूलर, RO की जा, TV, म्यूजिक सिस्टम, वाटर कूलर, कई चीजें चाहिए। ये सब चीजें यहाँ पर थी, यहाँ पर सब थी, हमको याद है, और इसकी हम लोग सबूत हैं उसके। और ये सब चीजें क्यों गई और क्यों ले जाने की हिम्मत कैसे की? इन बच्चों को देखिए ना, इनके आप मुखाग से क्या ले जाना चाह रहे हैं? इनकी खुशी तो देखिए ना, भगवान ने इनको नहीं कम दी है, तो हम लोग जो सुविधा है इनको वो भी ले लेंगे। कैसे जन्म कैसे किया जा रहा है? ये बहुत गलत बात है, ये असहनीय है, ये बद्दुआ न ले। जो यहाँ का सामान है उसको वापस करें, धन्यवाद, यही कहना चाहते हैं। जो इसके पहले जो ठेकेदार थे, मैं नाम नहीं जानता किसका क्या है, जो इसके पहले बात ठेकेदार थे, अगर नहीं होगा तो इसमें हम धरने में बैठ जाएंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं इस बात को लेकर।